गति वाला जो आप दिखा रहे थे कि हमको किस तरह गति, अगर हमारी गति को किस तरह देखा जाता है, जो न्यूटन का वो गति था। हाँ हाँ, ये गति ऊर्जा इनर्जी मैग्नेटिक रोलर है, चुंबकीय रोलर, और ये पट्टा है। अब जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं, इस मोटर को, ये गति करने लगा और स्लाइड को ये यहाँ से आप देखिए कूद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिए और जाके पकड़ करके, और यहाँ वह यहाँ पर ये पीवीसी पाइप है। अच्छा। अब जैसे ही इसको हम साउंड कुछ भी बोलेंगे तो... नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क, मैं हूँ मनोज सिंह। आज हम एक ऐसे विद्यालय में आए हैं जो देवरिया जनपद में पड़ता है, और इस विद्यालय में जैसे हम पहले पढ़ते थे किताबों में कि आओ हम कुछ करके सीखें, लेकिन वो चीज़ जब हम सीखते हैं, वो केवल हम पढ़े थे, अभी तक हम करके कुछ सीखे नहीं थे, बस अध्यापकों ने पढ़ाया वैसे हमने पढ़ा और उसका प्रैक्टिकली अब तक हमने नहीं किया था। लेकिन अन्य विद्यालयों में भी देखा जाए, अब तक भी विद्यालयों में देखा जाए तो कहीं पर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ आज इस जनपद के एक ऐसे विद्यालय में हो रहा है और ऐसे अध्यापक हैं, मैं उनसे खुद उनका परिचय जानूंगा। और बच्चे यहाँ पर कैसे सीखते हैं, जब आओ करके सीखें तो मतलब है कि हमको पढ़ना कम है, सीखना ज़्यादा है। जब हम सीख लेंगे तो ऑटोमेटिक हम कभी भूलेंगे नहीं। तो हम पहले सर का परिचय जानेंगे। धन्यवाद यहाँ आपको आने के लिए, और आपके माध्यम से मैं सभी देखने वालों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे प्रयास को आपके द्वारा देखा जा रहा है। मैं खुर्शीद अहमद, और साइंस टीचर के रूप में मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। इसके पूर्व में मैं अपना बताना चाहूँगा कि जो जर्नी हमारी रही है वह एक शिक्षा मित्र से हुई है, यानी 4 वर्षों तक मैंने सेवा शिक्षा मित्र के रूप में की, और 2013 में फिर मेरी जो पहली नियुक्ति हुई एज ए असिस्टेंट टीचर के रूप में, और 2015 से एज ए साइंस टीचर के रूप में मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 18 गाँव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और साइंस बिल्कुल उनको सब्जेक्ट न लगे बच्चों को, उनको एक ये लगे कि हमारे दैनिक जीवन की रोज़ की घटना है और मैं कहीं ना कहीं से जुड़ा हूँ। एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी साइंस को बिल्कुल आसान तरीके से समझे, सब्जेक्ट न समझ के समझे कि वो घटना है जो चीज़ मैं रोज़ गुजरता हूँ। तो ये मेरा प्रयास रहता है बच्चों के अंदर साइंसिफिक टेम्पर डालना, उनका टेम्परामेंट हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आसान लगने लगे साइंस उनको, और इसके प्रति उनकी रुचि बढ़े, ये प्रयास रहता है। दूसरी बात कि हमारे विभाग की जो छवि है, जो कह दिया जाए कि प्रसिद्धि विद्यालयों में अक्सर ये सुनने में आता था कि ये खामियां वो खामियां, लेकिन नहीं, आज में के परिवेश में जिस तरह से बदलाव हुआ है और जिस तरह से परिवर्तन हुए हैं वह लाजवाब है। और मैं आपको पुनः अपने इस चैनल के इसके माध्यम से आने के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी शिक्षकों को आप इस प्लेटफार्म के जरिए उनके प्रयासों को, उनके इनोवेशन को, उनके प्रैक्टिसेस को लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो आपके दिमाग में कहाँ से, आपको पहले आप क्या ऐसे सीखे थे कि डायरेक्ट आपने बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे आपने बताया कि मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ, तो डायरेक्ट आपने ऐसा काम किया, और ये सब कहाँ से सहयोग मिलता है? नहीं, देखिए, जो मैं खुद जब एज ए स्टूडेंट की तरह से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो एक शुरू से था कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी थी, मैं कुछ करके, जैसे क्लास में कोई टास्क दिया गया टीचर के द्वारा तो अन्य भी स्टूडेंट करते थे, लेकिन मैं कुछ उसमें नया करता था, यानी शुरुआत से ही मेरा एक रुझान रहा कि कुछ अलग करके दिखाया जाए। तो जब मैं स्कूल को ज्वाइन किया, कहीं भी जा, मेरा चौथा विद्यालय है, जब भी मैं स्कूल को ज्वाइन किया तो मैंने ये कहा कि मैं वहाँ जाकर खामियां को नहीं करूँगा, हम ये देखेंगे कि उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और यही मैं प्रयास करता हूँ कि हम किसी कमियों को न देखें, हम उसकी अच्छाइयों को देखें और उसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, ब्लेम ना करें, हम बेहतर करने के प्रयास करें। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि जैसे हमारा जो सिलेबस है तो बच्चों को केवल रटवाया ना जाए, तोता ना बनाया जाए, बच्चों को सोचने के लिए मजबूर किया जाए कि आखिर क्यों और कैसे। तो ये प्रयास रहता है बच्चों को प्रोजेक्ट देना, बच्चों को विभिन्न जो गतिविधियां हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उनमें बच्चों को इन्वॉल्वमेंट कराना, बच्चों को उसमें ज़्यादा प्रतिभा कराना, खेल हो चाहे किसी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि जहाँ बच्चों को मैंने कंपटीशन में प्रतिभाग नहीं कराया है और बच्चे उसमें कामयाब होते हैं। इससे एक छवि विद्यालय की बनी हुई है। मैं शुरू में बताया हूँ कि 18 गांव के जो पेरेंट्स हैं हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और लगातार अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये
इस प्रयोगशाला में जितने भी सामग्री बनाई गई है जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, क्या बच्चे खुद बना कर लाते हैं कि आप उनको बना कर? नहीं, अब जैसे मान लीजिए हमको किडनी पढ़ाना है या रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ाना है, तो मैं घर पे गया और इसको कबाड़ से बनाया, यानी ज़्यादा इससे पैसा भी ना लगे और आसानी से बन जाए और बच्चों को इसको इस तरह से परोसा जाए कि वो बच्चों को आसान लगने लगे। क्योंकि वो साइंस ही कहता है कि साइंस विजुलाइज, यानी बच्चों के अंदर विजुलाइजेशन जब होगा तो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है मस्तिष्क पे जो उनका छाप बनती है वो प्रोलॉन्ग पीरियड लंबे असर तक तो वो बना रहता है। तो ये प्रयास रहता है। और छोटे छोटे मैं बच्चों को प्रोजेक्ट भी देता हूँ, जैसे यहाँ पीछे मैं आप देख रहे हो सौर ऊर्जा का सेल या सेव एनर्जी, या इधर कबाड़ से जो बच्चों ने किस तरह से अपने मशीन के यंत्र बनाया हुआ है। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट देना और प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को हम आपसे कम समय लेंगे। जी जी, हमको एक गति वाला जो आप दिखा रहे थे कि हमको किस तरह गति, अगर हमारी गति को किस तरह देखा जाता है, जो न्यूटन का वो गति था। हाँ हाँ, ये गति ऊर्जा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, किस तरह ये, हाँ देखिए यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेज है। ये जैसे हम देखिए यहाँ पर हम गोली लिए, तो हम जानते हैं कि सभी के अंदर जब स्थिर है तो स्थिति ऊर्जा है ना। तो स्थिति ऊर्जा का गति ऊर्जा में कैसे रूपांतरण हो रहा है उसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हमने यह मॉडल बना रखा है। और देखिए यह अब हमने दो गोलियाँ लिया और दोनों दो गोली को ले रहे हैं, तो दो गोली उधर क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो कहने का मतलब है कि साइंस जिसे मैंने यहाँ पर बना रखा है एक मैग्नेटिक सेपरेशन का और मॉडल, जैसे आप जानते हैं कि जो आयरन के जो आयस होते हैं जैसे हेमेटाइट है मैग्नेटाइट है, वो जो आयस जो है तो उसमें काफ़ी अशुद्धियां हैं, तो उनको कैसे हम प्यूरीफाई करें, कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोलर लिया और यहाँ पर ये गाड़ी घुमा, ये जो कबाड़ से जो है प्लास्टिक के जो कबाड़ है उससे मैंने रोलर लिया और यहाँ पर एक मैग्नेटिक रोलर है चुंबकीय रोलर और ये पट्टा है। अब जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं इस मोटर को तो ये गति करने लगता है। अब यहाँ पर आयस मान लीजिए हमने लिया, आयस को पीस करके स्कीप की सहायता से हम यहाँ पर डाले, तो जब इसमें डालेंगे तो जो चुंबकीय आयस को होगा यानी जो चुंबकीय पार्टिकल होगा वह क्या होगा, यहाँ नज़दीक आएगा, इसके करीब आएगा, और जो नॉन चुंबकीय मैटर होगा यानी जो खराब पदार्थ होगा वह क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो जब बच्चे इस मॉडल को देखे रहेंगे तो इनको एकदम बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैग्नेटिक का सेपरेशन किया जाता है, किस तरह से उसके ओर्स को अलग किया जाता है, किस तरह से उसका अशुद्धियों को अलग करके हम लोग उसको प्यूरीफाई करते हैं। तो बच्चों को साइंस बिल्कुल आसान लगे और बच्चे इसको करके सीखें, यह मेरा शुरू से प्रयास रहा है। सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताओ। हाँ, सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर ये जो देख भी रहे हैं इसमें लिखा है बोतल से माइक्रोस्कोप, इसमें बच्चों ने इसको बोतल से माइक्रोस्कोप कैसे ये काम करेगा, ये हाँ देखिए इधर ये हमने स्लाइड लिया और स्लाइड को ये यहाँ से आप देखिए खुद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो स्पेसमैन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है एकदम। तो ये जो हाँ कम ये इसको बनाने मात्र जो लगा हुआ 250 रुपये है, और जो माइक्रोस्कोप मार्केट में मिलता है वो माइक्रोस्कोप 4000 से स्टार्ट होता है। तो कबाड़ से कैसे जुगाड़ बनाया जाए, यानी जब बच्चे जब इसको करके करते हैं तो उनके अंदर ये क्या होता है, स्किल डेवलप होता है, और स्किल डेवलप करना ही साइंस का एक कहा लिया जाए कि एक अहम हिस्सा होता है कि बच्चों के अंदर ये साइंटिफिक सोचने की वह क्षमता हम बढ़ाएं, उनके सपनों को जगाएं, ये प्रयास रहता है हमारा सबसे चीज। अब हम एक ये तो देखिए ये चीज़ जो यहाँ पे प्रयोगशाला में जो भी इन लोगों को सिखाया गया है करके सीख रहे हैं लोग, और उससे उन लोगों को ज़्यादा जानकारी हो रही है। और एक चीज़ देखिए ये जो बना हुआ है सर ये क्या है, ये जो है इको फ्रेंडली ग्रास कटर मशीन, ये बच्चों ने तैयार कर रखा है। ये प्रोजेक्ट में आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे इंस्पायर अवार्ड में बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं, जिनको 10,000 की धनराशि मिलती है जितने प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये बच्चों ने तैयार कर रखा था। इसको ग्रास को आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं इससे इस तरह से। ये सर थोड़ा सा कम समय में इसको बता दीजिए। हाँ, ये जो है फल तोड़ने वाली मशीन है, काटेदार फल तोड़ने वाली मशीन, इसको ऐसे लिए और जाकर फल पकड़ा, उस फल को पकड़ लिए, इसको आटे, फल नीचे आया और फिर फल को नीचे गिरा दिए, इस तरह से फल तोड़ने वाली मशीन। मतलब ये बहुत आसान तरीका है, आसान तरीका था बिल्कुल। पहले जो लोग हम हसिया बांधते थे उसमें लकड़ी बांधते थे, तो वो सिस्टम खत्म। जो आपका इसका पीछे उद्देश्य बस यह है
कि बच्चों का स्किल डेवलप करना, साइंस के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाना और साइंस को सब्जेक्ट न मान करके उसको दैनिक जीवन में डेली होने वाली घटनाओं से रूबरू कराना, यानी बच्चे उसको रोज़ रियलाइज करें, महसूस करें, यही हमारा प्रयास रहता है उसका। तो एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण आपकी है जो जहाँ पे आप जिससे बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हैं, जो ध्वनि को आपने कंपन में बदल कर दिखा रहा। हाँ, उसके कंपन को, उसके हम उसके वेव्स को उसके कैसे देखेंगे, तो ये बहुत आसान है ये, और मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए इधर, यहाँ देखिए पहले कैसे बनाया गया है। यहाँ ये बैलून है, बैलून को हमने यहाँ के डायफ्राम बना लिया, जिसके ऊपर समतल दर्पण लगा दिया छोटा सा टुकड़ा, और ये लेजर लाइट है, इसको पकड़ करके, और यहाँ वह यहाँ पर ये पीवीसी पाइप है। अच्छा। अब जैसे ही इसको हम साउंड कुछ भी बोलेंगे उसका कंपन वहाँ दिखाई देगा। देखिए जिस उसका पिच, हेलो 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 हेलो, अब देखिए जिस तरह से हमारा पिच है, जिस तरह साउंड निकल रहा है, उस तरह की पिच वहाँ पे बढ़ रही है। हेलो हेलो, हमारी आवाज़ जिस तरह से जा रही है, चूँकि ध्वनि क्या है, ध्वनि जो है कभी भी घर्षण से निकलता है, घर्षण से निकलता है, माध्यम से, तो वह जिस तरह से कंपन, उससे कंपन वहाँ दिखाई दे रहा है। हेलो 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 हेलो, तो इस तरह से उसकी ध्वनि का जो है सुनने के साथ कंपन को भी कंपन को हम देख सकते हैं। तो ये आप छोटे से बच्चे को देखे होंगे कि जब खिलौना वो बच्चा पाता है, छोटा सा बच्चा भी, तो उसको क्या करता है, वो देखता है, तोड़ता है, क्या है। तो यही है कि बच्चों को ध्वनि कैसे दिखाई, ध्वनि तो देख नहीं सकते हैं, उसे कंपन को देखने का ये यंत्र है। वाला आप बता दीजिए, क्योंकि आपको भी कहीं पे जाना है, मीटिंग है, तो हम इसलिए कम समय लूँगा। यहाँ ये बताने का हमने प्रयास किया है कि जैसे आप चुंबक के बारे में जो हम बताते हैं, तो चुंबक के ये घट ये परिपाटी है उसका, उसे उसका एक गुण है कि चुंबक के जो सिरे होते हैं उस पर जो आकर्षण बल होता है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर हमने चुंबकीय जो है, तो यहाँ पर ये आयरन के कण लिए हैं, पार्टिकल्स, और जैसे जैसे इसको हम ऐसे कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न को ही बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएँ। तो चुंबकीय बल रेखाएँ बच्चे इसको करके देखते हैं, और जैसे ही चुंबक को ऊपर उठाते हैं देखते हैं, तो इसके सिरों पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय कण, ये आयरन के कण जो है चिपके हुए हैं। तो ये घटना को जब बच्चे करके देखते हैं तो इससे जीवन में नहीं भूलेंगे कि चुंबक का जो आकर्षण बल होता है सिरों पर सबसे अधिक होता है और बीच में सबसे कम होता है। सर, एक चीज़ हम ये चाहेंगे कि जो ये प्रकाश का परावर्तन है इसको थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिए। देखिए, हमने अब तक सर ने जिस तरह चुंबक के बारे में और ये सब कुछ हम लोगों को बताएं किस तरह यहाँ पे बच्चों को, देखिए जो कुछ है यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, सिखा कर ही यहाँ पे पढ़ाया जाता है उनको, ताकि ये ना रहे कि आज याद करें और कल भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सब कुछ जो है बताने का हमने प्रयास किया है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, नियम होते हैं, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में बनते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह हम पढ़े हैं। तो बच्चे कैसे करके सीखेंगे इसको, देखिए हमने एक किरण लिया यहाँ पर, इस समय हमने क्या लिया, इसमें पानी लिया, और पानी के साथ हमने क्या मिला दिया इसमें, डिटॉल। डिटॉल इसलिए मिलाया कि वो लाइट को क्या करे, डिस्पर्स करे, और यहाँ लेजर लाइट से अब देखेंगे यहाँ पे एक किरण हम लेते हैं, आपतित किरण, जिस एंगल पे जाकर वो टकरा रही है उसी एंगल पे वो क्या हो रही है, वापस हो रही है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये थोड़ा पानी, हाँ पानी थोड़ा सा कम पड़ गया है, यह डिटेल, हाँ देखेंगे इधर, अगर हम ये एंगल यहाँ लेते हैं उसका, यह देखिए 90 डिग्री पर जो जा रही है वहाँ पर, वहाँ कोण जीरो होंगे ना यहाँ पे, तो उसी मार्ग से जाकर वह क्या हो रही है, वापस आ जा रही है, और इधर से ये किरण जा रही है यहाँ से हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये सेल डाउन हो गया लग रहा है, हाँ सेल का कैपेसिटी होती है। थोड़ा लेंस के बारे में बता दीजिए कि लेंस किस प्रकार काम करता है। हाँ, यहाँ ये लेंस जो हम पढ़ते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस दो प्रकार के जो होते हैं, तो उनको एक क्राफ्ट के द्वारा हमने बताने का प्रयास किया है कि जैसे हम यहाँ पर रेज लिए
और इसको हम ऐसे करने के बाद जैसे जैसे हम इसे उत्तर लेंस के द्वारा गुजारते हैं किरणों को, तो एक मुख्य अक्ष पर क्या करती है, वो मिलाती है ऐसे इस क्राफ्ट के द्वारा। देख रहे हैं यहाँ इस घटना को बच्चे करके यहाँ पे क्या हुआ सीखे। तो यह बच्चों के अंदर यह हमेशा दिमाग में बना रहता है कि ये उत्तर लेंस जो होता है समांतर प्रकाश से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, उसको मिलाता है। उसी तरह से अवतल लेंस क्या करता है कि समांतर प्रकाश की आने वाली किरणों को क्या करता है, वो दूर फैलाता है। तो यह क्राफ्ट के द्वारा बच्चे क्या करें इसको ऐसे समझें यहाँ पर इस तरह से यह, और इसको जो है यहाँ पर उत्तल और ये प्रकाश के जो परावर्तन की घटना है उस घटना को समझाने के लिए यह क्राफ्ट के द्वारा ऐसे यह किरणें आपतित किरणें हैं यहाँ पर और जाकर उससे टकरा रही हैं, फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। चलिए देखिए है कि खुर्शीद अहमद जी थे और इतने अच्छे टीचर हैं, जैसे सरकार ने एक स्लोगन बनाया कि सब पढ़ें सब बढ़ें सर्व शिक्षा अभियान, तो ये चीज़ सही है। हर विद्यालय की स्थिति एक ही बराबर है, ऐसा नहीं है कि कहीं इनको अधिक पेमेंट मिल रहा है कहीं कम मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे बता दें कि आवश्यकता और इसकार की जननी होती है। जब हम कुछ करेंगे तभी कुछ हम पैदा कर सकते हैं, बैठ कर ना हम खा सकते हैं ना कुछ हमको मिल सकता है। तो ये चीज़ें हम उनके लैब में आएँ और ये चीज़ें बड़े सोशल मीडिया पर सुर्खियों में इस समय हैं, और ये चीज़ देखिए हम तो इनकी क्या बड़ाई करें। बच्चों को भी अब हम उनसे भी संपर्क करेंगे कि वे बच्चे कितना यहाँ से सीखते हैं, क्या उनको रटंतु विद्या है कि प्रैक्टिकली मिलती है, क्योंकि अभी तो सर ने हमसे बात किया तो हम उन बच्चों के पास जाएंगे। लेकिन निवेदन ये सबसे है, अभिभावकों से, बच्चों से और सभी से निवेदन है कि कम विद्यालय में जाएँ, सरकारी विद्यालय का इस सहारा लें, क्योंकि प्राइवेट में इतना फीस लग रही है, गरीब बच्चे भी हैं उनको दबाकर गला दबाकर फीस ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारी विद्यालय में जाएं और अपने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ें, हर अध्यापक जरूर शिक्षा देगा। तो जो भी आपकी राय रहेगी इसमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।